आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को पसंद करने वाले लोगों के लिए 10 जनवरी का दिन बेहद महत्व रखता है। किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का पता उसकी भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। बता दें कि अंग्रेजी, मंदारिन और स्पैनिश के बाद हिंदी दुनिया की चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। हिंदी को विश्वव्यापी भाषा बनाने के उद्देश्य से विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आइए जानते हैं इस दिन को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत कई भाषाओं का धनी देश है। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन भारत को मूल रूप से उसकी हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है। जी हाँ, भारत में ही नहीं दुनिया भर में आपको हिंदी के चाहने वाले मिल जाएंगे जो कि हिंदी भाषा को बोलना पसंद करते हैं। और हिंदी प्रेमियों के लिए 10 जनवरी का दिन बेहद खास होता है। दरअसल इस दिन को मनाने के पीछे विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत के साथ दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई। सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात ये भी है कि विश्व हिंदी दिवस के अलावा भारत राष्ट्र हिंदी दिवस भी मनाता है और 14 सितंबर को राष्ट्र हिंदी दिवस होता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हिंदी दिवस के मौके पर पूरी दुनिया में निबंध प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इस बहाने दुनिया भर के लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा दौर में निश्चित तौर पर हिंदी का रुतबा बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भी इसे जाना पहचाना जाने लगा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हिंदी को अपने ही घर में उपेक्षा झेलनी पड़ती है। विमर्श और शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी अब भी हाशिए पर मानी जाती है। जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? विश्व हिंदी दिवस हर साल जनवरी में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर के भारतीय दूतावास में मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस नॉर्वे के भारतीय दूतावास ने मनाया। बाद में दूसरा और तीसरा हिंदी दिवस भारतीय नॉर्वे सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम के तत्वाधान में लेखक सुरेश चंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। भारत में पहली बार विश्व हिंदी का सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी अगुवाई की थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस वक्त मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद और टोबैको में भी विश्व हिंदी का सम्मेलन किया गया था और 10 तारीख को पहला सम्मेलन हुआ था। उसी दिन को राष्ट्र हिंदी दिवस घोषित कर दिया गया। भारतवासी के लिए बेहद ही गर्व का दिन है जहां पर आज हमारी भाषा को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।